हेलो ऑल, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। द वेट इज फाइनली ओवर। वी हैव अ लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई फ्रॉम ईपीएफओ जो हमें बता रहा है कि जो रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी इट इज अंडर प्रोसेस नाउ। तो अब ईपीएफओ ने अपना काम कर दिया है, ईपीएफओ ने रिक्विजिशन सेंड कर दी है टू द यूपीएससी और अब हम किसी भी वक्त यूपीएससी के थ्रू इस नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक आरटीआई फाइल किया था ऑन 26 जुलाई 2022 जहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ईपीएफओ से। पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर करंटली फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि वेदर रिक्विजिशन हैज बीन सेंड टू यूपीएससी फॉर कंडक्टिंग एपीएफसी एग्जामिनेशन और नॉट। एंड थर्ड क्वेश्चन ये था कि वेन विल एपीएफसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड बाय द यूपीएससी। तो जो पहला रिप्लाई है वो स्टैंडर्ड रिप्लाई है। पहली आरटीआईज में भी हमें यही रिप्लाई देखने को मिला था कि एज पर रोस्टर 2021 देयर इज 160 पोस्ट आर वैकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। तो जो नोटिफिकेशन है वहां पर हम 160 प्लस वैकेंसीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज क्वाइट अ गुड नंबर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस आरटीआई की वो ये थी कि जो रिक्रूटमेंट है फॉर द एपीएफसी थ्रू यूपीएससी इट इज अंडर प्रोसेस नाउ। तो अब जो गेंद है वो यूपीएससी के पाले में है और कभी भी हम इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का। और जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें थ्रू आउट द प्रिपरेशन गाइड करती हैं वो है सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। तो सिलेबस के ऊपर तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं उसको। और जो पीवाईक्यूज हैं वो हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं एपीएफसी एग्जामिनेशन के, क्योंकि ये एक रेगुलर एग्जामिनेशन नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 2002, 2004, 2012 और 2015 के पीवाईक्यूज। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से हमने आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं, आप लोग इनको डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाइए। और दोस्तों, एक और खास बात, जब भी हम एपीएफसी एग्जामिनेशन की स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे डाउट हमारे मन में आते हैं। पहला डाउट तो ये कि हम कौन से सोर्सेज फॉलो करें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा डे वाइज स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहेंगे और उन कंपोनेंट्स की तैयारी कैसे करें जो कि एपीएफसी में ही आते हैं। तो यहां पर मैं कंडक्ट कर रहा हूं एक लाइव वर्कशॉप, 3 घंटे की वर्कशॉप रहेगी जहां पर मैं आपको 6 स्टेप बताऊंगा टू डोमिनेट द एपीएफसी एग्जामिनेशन। दोस्तों, मैं इस वर्कशॉप में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपनी पूरी जो प्लानिंग है प्रिपरेशन की उसको करना है और किस तरीके से आपको हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ताकि आप बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इस पर्टिकुलर एग्जाम में लेकर आ पाओ। तो यहां पर याद रखिएगा कि आपको इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस 3 घंटे की वर्कशॉप में आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप 300 घंटे की मेहनत के बाद भी नहीं इकट्ठा कर पाओगे। तो आप लोगों को देरी नहीं करनी है, अभी से अपना जो स्लॉट है उसको बुक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।